नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त मोटिवेशनल वीडियो वाला। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस रथथम मूवी के केवल ऑडियंस रिव्यू और फैक्ट्स बताने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम आपसे तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला मोटिवेशनल कोड, दूसरा आपके एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट और तीसरा इस रथथम मूवी के ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जहां पर आपको मोटिवेशनल कोड्स आपकी लाइफ को बूस्ट करेगा, वही एजुकेशन फैक्ट आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा, और इस रथथम मूवी के जो फैक्ट्स हैं जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं उसको देखने के बाद मैं आपको इस रथथम मूवी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने इस प्रकार के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला मोटिवेशनल कोर्स, आप लोगों के लिए पहला मोटिवेशनल कोर्स, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते दूसरा मोटिवेशनल कोड्स, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदल सकते हैं विजय एंथनी की साल 2023 के अंदर कौन सी बड़ी मूवी सिनेमाघरों के अंदर रिलीज होने वाली है? अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी के रिव्यू के बारे में। साल 2023 में रिलीज़ हुई रथथम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी विजय एंथनी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था रथथम मूवी था, जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलियर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि रथथम मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 24 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा, और आपको 2 घंटे 24 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 54% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.4 है, और इस मूवी की रिलीज डेट 6 अक्टूबर 2023 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया, और इस मूवी के डायरेक्टर सीएस अमुदन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं रथम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। रथम 2023 इज ए ग्रिपिंग थ्रिलर फिल्म दैट स्टार्स विजय एंथनी इज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वेयर हिज करेक्टर एंड डिलीवरी साइन द मूवी टेल्स ए कंप्लेन स्टोरी दैट ओपर इंटरव्यूजिंग इनसाइट इनटू द इंपैक्ट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड ऑन सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन ए अनक्यू थ्रेड इन्वॉल्विंग ए न्यू एज सिंडिकेट दैट मल्टीप्लीट सोशल मीडिया यूजर पोस्ट टू इंसाइट दैट क्राइम एज ए कोवर द मोर सिनिस्टर
इंटेंसेंट वाइल द फिल्म इज प्राइज फॉर द क्वालिटी एंड रिवोल दैम इट डज हैव सम इश्यू विथ लॉजिकल कोरेनेंस इन अनकवरिंग द क्राइम माइस्ट्री एंड मैंशन बाय द रिव रथदम 2023 होल्ड ए स्ट्रॉन्ग IMDb रेटिंग 9/10 बट द रिव पर्सनली लेट ऑफ दिस ओवरऑल द मूवी इज थॉट प्रोविकिंग थ्रिलियर विथ ए रिवेल टैक ऑन कंपेमरी इशू मेकिंग इट वर्थ ए वॉच फॉर दूज इंटरेस्टिंग इन सस्पेंसफुल एंड सोशिकल रिवोल्ट फिल्म वेरी सोशिकल माइंड मूवी वेल मैसेज इज दैट मूवी द मूवी इंस्पिरेशन बाय द रिलेटिव करेक्टर विजय एंथनी रथम इज ए मास्टर पीस ऑफ तमिल सिनेमा दैट कैप्टिवेशन ऑडियंस विथ इट इज कंप्लेन स्टोरी लाइन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड एक्सप्रेशन डायरेक्शन द फिल्म यूज एन इंगेजिंग नरेटिव दैट कीप्स व्यूज ऑन द EDG ऑफ देयर सीट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश द टैलेंटेड कास्ट डिलीवर्स स्टेलर परफॉर्मेंस दैट मैक द करैक्टर रिटेबल एंड एंडरिंग द मूवी इज यूजफुल ट्रिट फ्यूचरिंग स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी एंड वेल सिनेमाटोग्राफी एक्शन सिक्वेंसी फर्दर मोर द म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर इंचेस द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म रथम इज ए मस्ट वॉच फॉर तमिल सिनेमा इथ्यूशिट एंड सेट्स ए न्यू स्टैंडर्ड फॉर द इंडस्ट्री विद द इज ब्रिलियंट कॉन्गुलेशन टीम लव यू फ्रॉम श्रीलंका रथनम इज एन अमेजिंग मूवी विद ए कैप्टिवेटिंग स्टोरी दैट किप्ट यू हुक्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश द फिल्म डिलीवरी ए पावरफुल एंड कंप्लेन नरेटिव दैट टेक यू आर थ्रिलियर जनरी द वेल क्राफ्ट प्लॉट कॉम्बिनेशन विद एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मैक इट इज ए मस्ट was for any cinema and the direction and cinematography enhances the overall experience creating a useful standing and emotional engaging masterpiece don't miss this outstanding of them I have every scene and good performance a good movie with show a new angle of corruption and crime happening in present world from start till end the pace or the story shift never happened actor have done a great job especially द विली आई मीन आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड एयर टू बी द एक्चुअल विलन अनफॉर्चुनेटली द कनेक्टिविटी बिटवीन वन सीन्स टू अनोदर इज लैकिंग द फ्लैशबैक सीन्स हैव नॉट मच लिंक टू प्रेजेंट एक्सपेक्टेड द डेथ ऑफ हीरो वाइफ स्टिल ही नीड नॉट क्राई सो मच और वेस्ट हिज लाइफ ड्रिंकिंग टू मच एज यूजफुल विजय एंथनी सर एक्टिंग टेक ओवर द होल मूवी बी द सैड पार्ट और फ्लैशबैक और द सॉल्विंग केस सीन्स ही इज द It was good to see Bindu acting after a gap. She has been my favorite actress. Mahima member mind-blowing with a genius smile and new concept yet not backed by a hunting absorbing script but supported by adaption performance and better technical have made this thriller paradise worth a purely sketch character lack of the clever treatment especially for the last 55 to 50 minutes flow toll of the good hard work in An interesting wet weather will be getting one more installment of this Padam, something different. What a way to narrative and investigative journalism, goosebumps on narration and throughout process, inspiring to be journalist. Excellent radiation by the director and Vijay Anthony shoots well for the gripping investigation. Female agnostic versus Vijay Anthony cat and rat race is quite different. New experience in a crime. Investigation thriller category of movie a must watch thank you for Amazon you will miss it in the theater based on the true story happened in Delhi life congrats to the Ratham movie team for the picturing of the crime incident happened in the name of status cast and answer law and lyric of the last song is too good asking where is humanity while we are different from low and high status by cast tell the reason in the That lyric is great stupid question and good realistic there is no reason to being as a human but people don't live as a good human we are all just a small living beings of this earth when the people can release we have only one life this is the only question standing forever outstanding claim and from performance by Vijay Anthony sir storyline direction editing recording all are very good screenplay to investigation journalism as got back it is on crown where their journalist needs a beautiful recognition
विच दिस मूवी लिफ्ट एंड गुड डिसेंट दिस मूवी स्टैंड आउट फ्रॉम द टाइपिकल कमर्शियल फ्लिक फिल्म विथ सॉन्ग्स एंड कॉमेडिक सिक्वेंस इट रिमेंबर फोक्स ऑन द इट इज स्टोरी लाइन वाइल द गुड फ्यू मेनोर फ्लो एंड गुड इंट्रोडक्शन एंड गुड थिंक अबाउट ग्लोरी फ्रेंड वॉयलेंस एंड गुड रथम इज एन एक्सीलेंट फिल्म विथ इज क्लैम एंड नेचुरल एक्टिंग विजय एंथनी इज सिंपल सुपर ऑफ कोर्स द अदर एक्टर हैव ऑल्सो परफॉर्मेड ए नाइस वन एक्सपेक्टेड ननिता आफ्टर सलीम पिचकर ऑफ दिस मेमोरेबल एंड्रेड ए नाइस फिल्म आई रियली लव द क्लिमिक्स ए फिल्म दैट ट्रीट बोथ एंड प्रोटोगोनिस्ट एंड अग्नोस्ट एज इक्वल दे गेट क्लोज बट दे कैन नेवर डिस्ट्रॉय वन अनदर कोज दे आर इक्वल आई रियली लव दिस एक्सपेक्टेड अबाउट द फिल्म दे आर इक्वली कैपेबल एंड इट इज मोस्ट थॉटफुल एंड क्लियर क्लिमिक्स द बैकग्राउंड स्कोर सिनेमाटोग्राफी एंड डायलॉग वेरी रियली गुड द स्क्रीन प्ले इज गुड बट आई फेल्ट इज ए बिट ड्रिगी इज सम ओवरऑल ए ब्रिलियंट फिल्म ग्रेट स्टोरी फैंटास्टिक मैसेज द ओनली सीन्स दैट वाज नॉट सो गुड एंड वाज दैट हॉर्स चेस सीन्स एट द पुलिस डिपोट द राइटर डायरेक्टर कुड हैव यूज ए टीम वर्क अप्रोच टू दैट सीन्स इंस्टेंट अपार्टमेंट फ्रॉम एनीथिंग इलेज वाज ग्रेट एक्टिंग स्टोरी म्यूजिक टेंशन बिल्ड अप ईटीसी ऑल ऑलवेज सम एंजॉय इट इज रियली गुड मूवी आई डोंट नाउ व्हाई टाइम्स इंडिया रेट दिस मूवी जस्ट 2 out of 5 एज पर परसेंट सिचुएशन आई रियली लॉस्ट होप ऑन मीडिया एज सो मच पावर टू चेंज एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड बट सम ऑफ देम आर नॉट रिकॉग्नाइजेशन दैट एक्सपेरिमेंट ड्यूटी एंड पावर इन दिस मूवी इट क्लियरली शोकेस हाउ एनीवन कैन मल्टीप्लाइड एनीवन कैन एजुकेटेड पीपीएल आर आल्सो गेटिंग इफेक्ट विद दिस मैनिपुलेशन रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज थिंक वाइज एंड थिंक अबाउट यू आर फैमिली बिफोर ऑफ दिस गुड हो नेक्स्ट आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी। साल 2023 में रिलीज़ हुई रथम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी विजय एंथनी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था रथम मूवी था, जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि रथम मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज़ हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 24 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 24 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूज़र्स ने 54% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.4 हैं और इस मूवी की रिलीज डेट 6 अक्टूबर 2023 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर सीएस अमुदन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं रथम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। रथम 2023 इज ए ग्रिपिंग थ्रिलर फिल्म दैट स्टार्स विजय एंथनी इज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वेयर हिज करेक्टर एंड डिलीवरी साइन द मूवी टेल्स ए कंप्लेन स्टोरी दैट ऑफर इंटरेस्टिंग इनसाइट इनटू द इंपैक्ट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड ऑन सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन ए अनक्यू थ्रेड इन्वॉल्विंग ए न्यू एज सिंडिकेट दैट मल्टीप्लीट सोशल मीडिया यूजर पोस्ट टू इंसाइट दैट क्राइम एज ए कोवर द मोर Sinister intent while the film is praised for the quality and reveal them it does have some issue with logical coherence in uncovering the crime mystery and mention by the review Ratham 2023 hold a strong IMDb rating 9/10 but the review personally let off this overall the movie is thought provoking thriller with a revealed take on contemporary issue making it worth a watch for those interesting in suspense full and
एंड सोशिकल रिवोल्ट फिल्म से वेरी सोशिकल माइंड मूवी वेल मैसेज इज दैट मूवी द मूवी इंस्पिरेशन बाय द रिलेटिव करेक्टर विजय एंथनी रत्नम इज ए मास्टर पीस ऑफ तमिल सिनेमा दैट कैप्टिवेशन ऑडियंस विथ इट इज कंप्लेन स्टोरी लाइन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड एक्सप्रेशन डायरेक्शन द फिल्म यूज एन इंगेजिंग नरेटिव दैट कीप्स व्यूज ऑन द ईडीजी ऑफ देयर सीट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश दैट टैलेंटेड कास्ट डिलीवर्स स्टेलर परफॉर्मेंस दैट मैक द करेक्टर रिटेबल एंड एंडरिंग द मूवी इज यूजफुल ट्रिट फ्यूचरिंग स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी एंड वेल सिनेमाटोग्राफी एक्शन सिक्वेंसी फर्दर मोर द म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर इंसेस द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म रत्नम इज ए मस्ट वॉच फॉर तमिल सिनेमा इथ्यूशिट एंड सेट्स ए न्यू स्टैंडर्ड फॉर द इंडस्ट्री विद द इज ब्रिलियंट कॉन्ग्रेशन टीम लव यू फ्रॉम श्रीलंका रत्नम इज एन अमेजिंग मूवी विथ ए कैप्टिवेटिंग स्टोरी दैट किप्ट यू हुक्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश द फिल्म डिलीवरी ए पावरफुल एंड कंप्लेन नरेटिव दैट टेक यू आर थ्रिलियर जनरी द वेल क्राफ्ट प्लॉट कॉम्बिनेशन विथ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मैक इट इज ए मस्ट was for any cinema and the direction and cinematography enhances the overall experience creating a useful stunning and emotional engaging masterpiece don't miss this outstanding of them I have every scene and good performance a good and a good movie with show a new angle of corruption and crime happening in present world from start till end the pace or the story shift never happened actor have done a great job especially the villain I did not expected her to be the actual villain unfortunately the connectivity between one scenes to another is lacking the flashback scenes have not much link to present expected the death of hero wife still he need not cry so much or waste his life drinking too much as useful Vijay Anthony sir acting take over the whole movie be the sad part or flashback or the solving case scenes he is the best It was good to see Bindu acting after a gap. She has been my favorite actress. Mahima member mind blowing with a genius smile and new concept yet not backed by a hunting absorbing script but supported by adaption performance and better technical have made this thriller paradise worth a purely sketch character lack of the clever treatment especially for the last 55-50 minutes flow toll of the good hard work in An interesting wet weather will be getting one more installment of this Padam, something different. What a way to narrative and investigative journalism, goosebumps on narration and throughout process, inspiring to be journalist. Excellent radiation by the director and Vijay Anthony shoots well for the gripping investigation. Female agnostic versus Vijay Anthony cat and rat race is quite different. New experience in a crime. Investigation thriller category of movie a must watch thank you for amazon you will miss it in the theater based on the true story happened in Delhi life congrats to the Ratham movie team for the picturing of the crime incident happened in the name of status cast and answer law and lyric of the last song is too good asking where is humanity while we are different from low and high status by cast tell the reason in the That lyric is great stupid question and good relatic there is no reason to being as a human but people don't live as a good human we are all just a small living beings of this earth when the people can release we have only one life this is the only question standing forever outstanding claim and from performance by Vijay Anthony sir storyline direction editing recording all are very good screenplay to investigation journalism has got back it is on crown where their journalist needs a beautiful recognition which this movie left and good descent this movie stand out from the typical commercial flick film with songs and comedic sequence it remember focus on the it is storyline while the good few minor flow and good introduction and good think about glory friend violence and good Ratham is an excellent film with his calm and natural acting Vijay Anthony is simple super of course the other actor have also performed a nice one
अनएक्सपेक्टेड ननिता आफ्टर सलीम पिचिकर ऑफ दिस मेमोरेबल एंड्रेड ए नाइस फिल्म आई रियली लव द क्लिमिक्स ए फिल्म दैट ट्रीट बोथ एंड प्रोटोगोनिस्ट एंड अग्नोस्ट एज इक्वल दे गेट क्लोज बट दे कैन नेवर डिस्ट्रॉय वन अनदर कोज दे आर इक्वल आई रियली लव दिस एक्सपेक्टेड अबाउट द फिल्म दे आर इक्वली कैपेबल एंड इट इज मोस्ट थॉटफुल एंड क्लियर क्लिमिक्स द बैकग्राउंड स्कोर सिनेमाटोग्राफी एंड डायलॉग वेरी रियली गुड द स्क्रीन प्ले इज गुड बट आई फेल्ट इज ए बिट ड्रिगी इज सम ओवरऑल ए ब्रिलियंट फिल्म ग्रेट स्टोरी फैंटास्टिक मैसेज द ओनली सीन्स दैट वॉज नॉट सो गुड एंड वॉज दैट हॉर्स चेस सीन्स एट द पुलिस डिपोर्ट द राइटर डायरेक्टर कुड हैव यूज ए टीम वर्क अप्रोच टू दैट सीन्स इंस्टेंट अपार्टमेंट फ्रॉम एनीथिंग इलेज वॉज ग्रेट एक्टिंग स्टोरी म्यूजिक टेंशन बिल्ड अप ETC all awesome enjoy it is really good movie I don't know why times india rate this movie just 2 out of 5 as per percent situation I really lost hope on media has so much power to change anything in this world but some of them are not recognition that experiment duty and power in this movie it clearly showcase how anyone can multiply it anyone can educated people are also getting effect with this manipulation request everyone please think wise and think about your family before of this good honest I have every scene and good performance this movie साल 2023 में रिलीज़ हुई रत्थम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी विजय एंथनी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था रत्थम मूवी था, जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि रत्थम मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 24 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 24 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूज़र्स ने 54% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.4 हैं और इस मूवी की रिलीज डेट 6 अक्टूबर 2023 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर सीएस अमुदन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं रत्थम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके में। रत्थम 2023 इज ए ग्रिपिंग थ्रिलर फिल्म दैट स्टार्स विजय एंथनी इज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वेयर हिज करेक्टर एंड डिलीवरी साइन द मूवी टेल्स ए कंप्लेन स्टोरी दैट ऑफर इंटरव्यूजिंग इनसाइट इनटू द इंपैक्ट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड ऑन सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन ए अनक्यू थ्रेड इन्वॉल्विंग ए न्यू एज सिंडिकेट दैट मल्टीप्लीट सोशल मीडिया यूजर पोस्ट टू इंसाइट दैट क्राइम एज ए कोवर द मोर Sinister intent while the film is praised for the quality and reveal them it does have some issue with logical coherence in uncovering the crime mystery and mention by the review Rattham 2023 hold a strong IMDb rating 9/10 but the review personally let off this overall the movie is thought provoking thriller with a revealed take on contemporary issue making it worth a watch for those interesting in suspense एंड सोशिकल रिवोल्ट फिल्म से वेरी सोशिकल माइंड मूवी वेल मैसेज इज दैट मूवी द मूवी इंस्पिरेशन बाय द रिलेटिव करेक्टर विजय एंथनी रत्थम इज ए मास्टरपीस ऑफ तमिल सिनेमा दैट कैप्टिवेशन ऑडियंस विथ इट इज कंप्लेन स्टोरी लाइन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड एक्सप्रेशन डायरेक्शन द फिल्म यूज एन इंगेजिंग नरेटिव दैट कीप्स व्यूज ऑन द EDG ऑफ देयर सीट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश दैट टैलेंटेड कास्ट डिलीवर्स स्टेलर
देयर परफॉर्मेंस दैट मेक द करेक्टर रिटेबल एंड एंडरिंग द मूवी इज यूजफुल ट्रीट फ्यूचरिंग स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी एंड वेल सिनेमाटोग्राफी एक्शन सिक्वेंसी फर्दर मोर द म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर इंसेस द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म रथतम इज ए मस्ट वॉच फॉर तमिल सिनेमा इथ्यूसिट एंड सेट्स ए न्यू स्टैंडर्ड फॉर द इंडस्ट्री विद द इज ब्रिलियंट कॉन्ग्रेशन टीम लव यू फ्रॉम श्रीलंका रथनम इज एन अमेजिंग मूवी विद ए कैप्टिवेटिंग स्टोरी दैट किप्ट यू हुक्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश द फिल्म डिलीवरी ए पावरफुल एंड कंप्लेन नरेटिव दैट टेक यू आर थ्रिलियर जनरी द वेल क्राफ्ट प्लॉट कॉम्बिनेशन विद एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मैक इट इज ए मस्ट was for any cinema and the direction and cinematography enhances the overall experience creating a useful stunning and emotional engaging masterpiece don't miss this outstanding of them I have every scene and good performance a good movie with show a new angle of corruption and crime happening in present world from start till end the pace or the story shift never happened actor have done a great job especially the villain I did not expected her to be the actual villain unfortunately the connectivity between one scenes to another is lacking the flashback scenes have not much link to present expected the death of hero wife still he need not cry so much or waste his life drinking too much as useful Vijay Anthony sir acting take over the whole movie be the sad part or flashback or the solving case scenes he is the best It was good to see Bindu acting after a gap. She has been my favorite actress. Mahima Member mind blowing with a genius smile and new concept, yet not backed by a hunting absorbing script, but supported by adaptation performance and better technical. We have made this thriller paradise worth a purely sketch character. Lack of the clever treatment, especially for the last 55-50 minutes, flow through of the good hard work in tattoo. An interesting wet weather will be getting one more installment of this Padam something different what a why to narrative and investigative journalism goosebumps on narration and throughout process inspiring to be journalist excellent radiation by the director and Vijay Anthony shoots well for the gripping investigation female agnost versus Vijay Anthony cat and rat race is quite different new experience in a crime investigation thriller category of movie a must watch thank you for amazon you will miss it in the theater based on the true story happened in delhi life congress to the ratham movie team for the picturing of the crime incident happened in the name of status cast and answer law and lyric of the last song is too good asking where is humanity while we are different from low and high status by cast tell the reason in that lyric is great stupid question and good realistic there is no reason to being as a human but people don't live as a good human we are all just a small living beings of this earth when the people can release we have only one life this is the only question standing forever outstanding claim and from performance by Vijay Anthony sir storyline direction editing recording all are very good screenplay to investigation Journalism has got back its own crown where their journalist needs a beautiful recognition. Which this movie left and good descent this movie stand out from the typical commercial flick film with songs and comedic sequence it remember focus on the it is storyline while the good few minor flow and good introduction and good think about glory friend violence and good ratham is an excellent film with his calm and natural acting Vijay Anthony is simple super of course the other actor have also performed a nice one Expected Nanita after Salim Pichikar of this memorable and dread a nice film I really love the climax a film that treat both and protagonist and agonist as equal they get close but they can never destroy one another cause they are equal I really love this expected about the film they are equally capable and it is most thoughtful and clever climax the background scoring cinematography and dialogue very really good
गुड द स्क्रीन प्ले इज गुड बट आई फेल्ट इज ए बिट ड्रेगी इज सम ओवरऑल ए ब्रिलियंट फिल्म ग्रेट स्टोरी फैंटास्टिक मैसेज द ओनली सीन्स दैट वाज नॉट सो गुड एंड वाज दैट हॉर्स चेस सीन्स एट द पुलिस डिपोर्ट द राइटर डायरेक्टर कुड हैव यूज ए टीम वर्क अप्रोच टू दैट सीन्स इंस्टेंट अपार्टमेंट फ्रॉम एनीथिंग इलेज वाज ग्रेट एक्टिंग स्टोरी म्यूजिक टेंशन बिल्ड अप ईटीसी ऑल अवेसम एंजॉय इट इज रियली गुड मूवी आई डोंट नाउ व्हाई टाइम्स इंडिया रेट दिस मूवी जस्ट 2 out of 5 एज पर परसेंट सिचुएशन आई रियली लॉस्ट होप ऑन मीडिया एज सो मच पावर टू चेंज एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड बट सम ऑफ देम आर नॉट रिकॉग्नाइजेशन दैट एक्सपेरिमेंट ड्यूटी एंड पावर इन दिस मूवी इट क्लियरली शोकेस हाउ एनीवन कैन मल्टीप्लाइट एनीवन कैन एजुकेटेड पीपीएल आर आल्सो गेटिंग इफेक्ट विद दिस मैनिपुलेशन रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज थिंक वाइज एंड थिंक अबाउट यू आर फैमिली बिफोर ऑप दिस गुड हो नेक्स्ट आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी। साल 2023 में रिलीज हुई रथथम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी विजय एंथनी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था रथथम मूवी था, जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलियर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि रथथम मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 24 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 24 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूज़र्स ने 54% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.4 है और इस मूवी की रिलीज डेट 6 अक्टूबर 2023 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर सीएस अमुदन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं रथम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। रथम 2023 इज ए ग्रिपिंग थ्रिलर फिल्म दैट स्टार्स विजय एंथनी इज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वेयर हिज करेक्टर एंड डिलीवरी साइन द मूवी टेल्स ए कंप्लेन स्टोरी दैट ओपर इंट्रोड्यूसिंग इनसाइट इनटू द इंपैक्ट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड ऑन सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन ए अनक्यू थ्रेड इन्वॉल्विंग ए न्यू एज सिंडिकेट दैट मल्टीप्लीट सोशल मीडिया यूजर पोस्ट टू इंसाइट दैट क्राइम एज ए कोवर द मोर सिनिस्टर इंटेंसेंट वाइल द फिल्म इज प्राइज फॉर द क्वालिटी एंड रिवोल दैम इट डज हैव सम इश्यू विथ लॉजिकल कोरेंस इन अनकवरिंग द क्राइम माइस्ट्री एंड मैंसन बाय द रिव्यू। रथदम 2023 होल्ड ए स्ट्रॉन्ग IMDB रेटिंग 9/10 बट द रिव्यू पर्सनली लेट ओप दिस ओवरऑल द मूवी इज थॉट प्रोविकिंग थ्रिलियर विथ ए रिवेल टैक ऑन कंपेमरी इशू मेकिंग इट वर्थ ए वॉच फॉर दूज इंटरेस्टिंग इन सस्पेंस फुल एंड सोशिकल रिवोल्ट फिल्म से वेरी सोशिकल माइंड मूवी वेल मैसेज इज दैट मूवी द मूवी इंस्पिरेशन बाय द रिलेटिव करेक्टर विजय एंथनी रथम इज ए मास्टर पीस ऑफ तमिल सिनेमा दैट कैप्टिवेशन ऑडियंस विथ इट इज कंप्लेन स्टोरी लाइन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड एक्सप्रेशन डायरेक्शन द फिल्म रिव्यूज एंड इनगेजिंग नरेटिव दैट कीप्स व्यूज ऑन द EDG ऑफ देयर सीट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश दैट टैलेंटेड कास्ट डिलीवर स्टेलर परफॉर्मेंस दैट मैक द करेक्टर रिटेबल एंड एंडरिंग द मूवी इज यूजफुल ट्रिट फ्यूचरिंग स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी एंड वेल सिनेमाटोग्राफी एक्शन सिक्वेंसी फर्दर मोर द म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर इनचेस द इमोशनल इंपैक्ट ऑफ द फिल्म
रथतम इज ए मस्ट वॉच फॉर तमिल सिनेमा इथ्यूसिट एंड सेट्स ए न्यू स्टैंडर्ड फॉर द इंडस्ट्री विद द इज ब्रिलियंट कॉन्ग्रेशन टीम लव यू फ्रॉम श्रीलंका। रत्नम इज एन अमेजिंग मूवी विथ ए कैप्टिवेटिंग स्टोरी दैट किप्ट यू होक्ड फ्रॉम स्टार टू फिनिश। द फिल्म डिलीवरी ए पावरफुल एंड कंप्लेन नरेटिव दैट टैक यू आर थ्रिलियर जनरी द वेल क्राफ्ट प्लॉट कॉम्बिनेशन विथ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मैक इट इज ए मस्ट to watch for any cinema and the direction and cinematography enhances the overall experience creating a useful stunning and emotional engaging masterpiece. Don't miss this outstanding of them. I have every scene and good performance a good movie with show a new angel of corruption and crime happening in present world from start till end. The pace or the story shift never happened. Actor have done a great job especially the villain. I did not expected her to be the actual villain. Unfortunately, the connectivity between one scenes to another is lacking. The flashback scenes have not much link to present. Expected the death of hero wife. Still, he need not cry so much or waste his life drinking too much as usual. Vijay Anthony sir acting take over the whole movie be the sad part or flashback or the solving case scenes. He is the best. It was good to see Bindu acting after a gap. She has been my favorite actress. Mahima member mind blowing with a genius smile and new concept yet not backed by a hunting absorbing script but supported by adaption performance and better technical have made this thriller paradise worth a purely sketch character. Lack of the clever treatment especially for the last 55 to 50 minutes flow toll of the good hard work in and interesting wet weather will be getting one more instrument of this padam something different. What a way to narrative and investigative journalism. Goosebumps on narration and throughout process inspiring to be journalist. Excellent radiation by the director and Vijay Anthony shoots well for the gripping investigation. Female agnostic versus Vijay Anthony cat and rat race is quite different. New experience in a crime investigation thriller category of movie a must watch. Thank you for Amazon. You will miss it in the theater based on the true story happened in daily life. Congrats to the Ratham movie team for the picturing of the crime incident happened in the name of status cast and answer law and lyric of the last song is too good asking where is humanity while we are different from low and high status by cast tell the reason in the that lyric is great stupid question and good realistic. There is no reason to being as a human but people don't live as a good human. We are all just a small living beings of this earth. When the people can release we have only one life. This is the only question standing forever. Outstanding claim and from performance by Vijay Anthony sir. Storyline direction editing recording all are very good. Screenplay to investigation journalism as got back it is on crown where their journalist needs a beautiful recognition which this movie left and good descent. This movie stand out from the typical commercial flick film with songs and comedic sequence. It remember focus on the it is storyline while the good few minor flow and good introduction and good think about glory friend violence and good. Ratham is an excellent film with his calm and natural acting. Vijay Anthony is simple super of course the other actor have also performed a nice one. Expected Nanita after Salim Pichikar of this memorable and read a nice film. I really love the climax. A film that treat both and protagonist and agonist as equal. They get close but they can never destroy one another cause they are equal. I really love this expected about the film. They are equally capable and it is most thoughtful and clever climax. The background score cinematography and dialogue very really good.
द स्क्रीन प्ले इज गुड बट आई फेल्ट इज ए बिट ड्रेगी इज सम ओवरऑल ए ब्रिलियंट फिल्म ग्रेट स्टोरी फैंटेस्टिक मैसेज द ओनली सीन्स दैट वाज नॉट सो गुड एंड वाज दैट हॉर्स चेस सीन्स एट द पुलिस डिपोर्ट द राइटर डायरेक्टर कुड हैव यूज ए टीम वर्क अप्रोच टू दैट सीन्स इंस्टेंट अपार्टमेंट फ्रॉम एनीथिंग इलेज वाज ग्रेट एक्टिंग स्टोरी म्यूजिक टेंशन बिल्ड अप ईटीसी ऑल अवेसम एंजॉय इट इज रियली गुड मूवी आई डोंट नाउ व्हाई टाइम्स इंडिया रेट दिस मूवी जस्ट 2 out of 5 एज पर परसेंट सिचुएशन आई रियली लॉस्ट होप ऑन मीडिया एज सो मच पावर टू चेंज एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड बट सम ऑफ देम आर नॉट रिकॉग्नाइजेशन दैट एक्सपेरिमेंट ड्यूटी एंड पावर इन दिस मूवी इट क्लियरली शोकेस हाउ एनीवन कैन मल्टीप्लाइट एनीवन कैन एजुकेटेड पीपीएल आर आल्सो गेटिंग इफेक्ट विद दिस मैनिपुलेशन रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज थिंक वाइज एंड थिंक अबाउट यू आर फैमिली बिफोर ऑफ दिस गुड हो नेक्स्ट आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी। साल 2023 में रिलीज हुई रथथम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी विजय एंथनी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था रथथम मूवी था, जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि रथथम मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 24 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 24 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 54% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.4 है और इस मूवी की रिलीज डेट 6 अक्टूबर 2023 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर सीएस अमुदन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं रथम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। रथम 2023 इज ए ग्रिपिंग थ्रिलर फिल्म दैट स्टार्स विजय एंथनी इज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वेयर हिज करेक्टर एंड डिलीवरी साइन द मूवी टेल्स ए कंप्लेन स्टोरी दैट ओपर इंट्रोड्यूसिंग इनसाइट इनटू द इंपैक्ट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड ऑन सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन ए अनक्यू थ्रेड इन्वॉल्विंग ए न्यू एज सिंडिकेट दैट मल्टीप्लीट सोशल मीडिया यूजर पोस्ट टू इंसाइट दैट क्राइम एज ए कोवर द मोर Sinister intent while the film is praised for the quality and reveal them it does have some issue with logical coherence in uncovering the crime mystery and mention by the review Rathdam 2023 hold a strong IMDb rating 9/10 but the review personally let off this overall the movie is thought provoking thriller with a revealed take on contemporary issue making it worth a watch for those interesting in suspense एंड सोशिकल रिवोल्ट फिल्म से वेरी सोशिकल माइंड मूवी वेल मैसेज इज दैट मूवी द मूवी इंस्पिरेशन बाय द रिलेटिव करेक्टर विजय एंथनी रथम इज ए मास्टर पीस ऑफ तमिल सिनेमा दैट कैप्टिवेशन ऑडियंस विथ इट इज कंप्लेन स्टोरी लाइन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड एक्सप्रेशन डायरेक्शन द फिल्म रिव्यूज एंड इंगेजिंग नरेटिव दैट कीप्स व्यूज ऑन द EDG ऑफ देयर सीट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश दैट टैलेंटेड कास्ट डिलीवर्स स्टेलर परफॉर्मेंस दैट मैक द करेक्टर रिटेबल एंड एंडरिंग द मूवी इज यूजफुल ट्रिट फ्यूचरिंग स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी एंड वेल सिनेमाटोग्राफी एक्शन सिक्वेंसी फर्दर मोर द म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर इंचेस द इमोशनल इंपैक्ट ऑफ द फिल्म
रत्तम इज ए मस्ट वॉच फॉर तमिल सिनेमा इथ्यूसिट एंड सेट्स ए न्यू स्टैंडर्ड फॉर द इंडस्ट्री विद द इज ब्रिलियंट कॉन्ग्रेचुलेशन टीम लव यू फ्रॉम श्रीलंका। रत्नम इज एन अमेजिंग मूवी विथ ए कैप्टिवेटिंग स्टोरी दैट किप्ट यू होक्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। द फिल्म डिलीवरी ए पावरफुल एंड कंप्लेन नरेटिव दैट टेक यू आर थ्रिलियर जर्नी। द वेल क्राफ्ट प्लॉट कॉम्बिनेशन विथ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मैक इट इज ए मस्ट to watch for any cinema and the direction and cinematography enhances the overall experience creating a useful stunning and emotional engaging masterpiece. Don't miss this outstanding of them. I have every scene and good performance a good movie with show a new angle of corruption and crime happening in present world from start till end. The pace or the story shift never happened. Actor have done a great job especially the villain. I did not expected her to be the actual villain. Unfortunately, the connectivity between one scenes to another is lacking. The flashback scenes have not much link to present. Expected the death of hero wife. Still, he need not cry so much or waste his life drinking too much as usual. Vijay Anthony sir acting take over the whole movie be the sad part or flashback or the solving case scenes. He is the best. It was good to see Bindu acting after a gap. She has been my favorite actress. Mahima member mind blowing with a genius smile and new concept yet not backed by a hunting absorbing script but supported by adaption performance and better technical have made this thriller paradise worth a purely sketch character. Lack of the clever treatment especially for the last 55 to 50 minutes plateau of the good hard work in an interesting wet weather will be getting one more installment of this padam something different. What a why to narrative and investigative journalism goosebumps on narration and throughout process inspiring to be journalist excellent radiation by the director and Vijay Anthony shoots well for the gripping investigation female agnostic versus Vijay Anthony cat and rat race is quite different new experience in a crime investigation thriller category of movie a must watch. Thank you for Amazon. You will miss it in the theater based on the true story happened in daily life. Congrats to the Ratham movie team for the picturing of the crime incident happened in the name of status cast and answer law and lyric of the last song is too good asking where is humanity while we are different from low and high status by cast tell the reason in the that lyric is great stupid question and good realistic there is no reason to being as a human but people don't live as a good human we are all just a small living beings of this earth when the people can release we have only one life this is the only question standing forever outstanding claim and from performance by Vijay Anthony sir storyline direction editing recording all are very good screenplay to investigation journalism as got back it is on crown where their journalist needs a beautiful recognition which this movie left and good descent. This movie stand out from the typical commercial flick film with songs and comedic sequence. It remember focus on the it is storyline while the good few minor flow and good introduction and good think about glory friend violence and good Ratham is an excellent film with his calm and natural acting. Vijay Anthony is simple super of course the other actor have also performed a nice one Unexpected Nanita after Salim Pichikar of this memorable and dread a nice film. I really love the climax a film that treat both and protagonist and agnostic as equal. They get close but they can never destroy one another cause they are equal. I really love this expected about the film. They are equally capable and it is most thoughtful and clever climax. The background score cinematography and dialogue very really good.
द स्क्रीन प्ले इज गुड बट आई फेल्ट इज ए बिट ड्रेगी इज सम ओवरऑल ए ब्रिलियंट फिल्म ग्रेट स्टोरी फैंटेस्टिक मैसेज द ओनली सीन्स दैट वॉज नॉट सो गुड एंड वॉज दैट हॉर्स चेस सीन्स एट द पुलिस डिपोर्ट द राइटर डायरेक्टर कुड हैव यूज ए टीम वर्क अप्रोच टू दैट सीन्स इंस्टेंट अपार्टमेंट फ्रॉम एनीथिंग इलेज वॉज ग्रेट एक्टिंग स्टोरी म्यूजिक टेंशन बिल्ड अप ETC all awesome enjoy it is really good movie I don't know why times india rate this movie just 2 out of 5 as per percent situation I really lost hope on media has so much power to change anything in this world but some of them are not recognition that experiment duty and power in this movie it clearly showcases how anyone can multiply it anyone can educated people are also getting effect with this manipulation request everyone please think wise and think about your family before of this good honest I have every scene and good performance this movie साल 2023 में रिलीज हुई रत्थम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी विजय एंथनी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था रत्थम मूवी था, जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि रत्थम मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 24 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 24 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 54% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.4 है और इस मूवी की रिलीज डेट 6 अक्टूबर 2023 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर सीएस अमुदन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं रत्थम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। रत्थम 2023 इज ए ग्रिपिंग थ्रिलर फिल्म दैट स्टार्स विजय एंथनी इज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वेयर हिज करेक्टर एंड डिलीवरी साइन द मूवी टेल्स ए कंप्लेन स्टोरी दैट ओपर इंट्रोड्यूसिंग इनसाइट इनटू द इंपैक्ट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड ऑन सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन ए अनक्यू थ्रेड इन्वॉल्विंग ए न्यू एज सिंडिकेट दैट मल्टीप्लीट सोशल मीडिया यूजर पोस्ट टू इंसाइट दैट क्राइम एज ए कोवर द मोर Sinister intent while the film is praised for the quality and reveal them it does have some issue with logical coherence in uncovering the crime mystery and mentioned by the review Rattham 2023 hold a strong IMDb rating 9/10 but the review personally let off this overall the movie is thought provoking thriller with a revealed take on contemporary issue making it worth a watch for those interesting in suspense एंड सोशिकल रिवोल्ट फिल्म से वेरी सोशिकल माइंड मूवी वेल मैसेज इज दैट मूवी द मूवी इंस्पिरेशन बाय द रिलेटिव करेक्टर विजय एंथनी रत्थम इज ए मास्टरपीस ऑफ तमिल सिनेमा दैट कैप्टिवेशन ऑडियंस विथ इट इज कंप्लेन स्टोरी लाइन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड एक्सप्रेशन डायरेक्शन द फिल्म रिव्यूज एंड इंगेजिंग नरेटिव दैट कीप्स व्यूज ऑन द EDG ऑफ देयर सीट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश दैट टैलेंटेड कास्ट डिलीवर्स स्टेलर परफॉर्मेंस दैट मैक द करेक्टर रिटेबल एंड एंडरिंग द मूवी इज यूजफुल ट्रिट फ्यूचरिंग स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी एंड वेल सिनेमाटोग्राफी एक्शन सिक्वेंसी फर्दर मोर द म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर इनचेस द इमोशनल इंपैक्ट ऑफ द फिल्म
रत्तम इज ए मस्ट वॉच फॉर तमिल सिनेमा इथ्यूसिट एंड सेट्स ए न्यू स्टैंडर्ड फॉर द इंडस्ट्री विद द इज ब्रिलियंट कॉन्ग्रेशन टीम लव यू फ्रॉम श्रीलंका। रत्नम इज एन अमेजिंग मूवी विथ ए कैप्टिवेटिंग स्टोरी दैट किप्ट यू होक्ड फ्रॉम स्टार टू फिनिश। द फिल्म डिलीवरी ए पावरफुल एंड कंप्लेन नरेटिव दैट टैक यू आर थ्रिलियर जनरी द वेल क्राफ्ट प्लॉट कॉम्बिनेशन विथ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मैक इट इज ए मस्ट to watch for any cinema and the direction and cinematography enhances the overall experience creating a useful stunning and emotional engaging masterpiece. Don't miss this outstanding of them. I have every scene and good performance a good movie with show a new angel of corruption and crime happening in present world from start till end. The pace or the story shift never happened. Actor have done a great job especially the villain. I did not expected her to be the actual villain. Unfortunately, the connectivity between one scene to another is lacking. The flashback scenes have not much link to present. Expected the death of hero wife. Still, he need not cry so much or waste his life drinking too much as usual. Vijay Anthony sir acting take over the whole movie be the sad part or flashback or the solving case scenes. He is the best. It was good to see Bindu acting after a gap. She has been my favorite actress. Mahima member mind blowing with a genius smile and new concept yet not backed by a hunting absorbing script but supported by adaption performance and better technical have made this thriller paradise worth a purely sketch character. Lack of the clever treatment especially for the last 55 to 50 minutes flow toll of the good hard work in and interesting wet weather will be getting one more instrument of this padam something different. What a way to narrative and investigative journalism. Goosebumps on narration and throughout process inspiring to be journalist. Excellent radiation by the director and Vijay Anthony shoots well for the gripping investigation. Female agnostic versus Vijay Anthony cat and rat race is quite different. New experience in a crime investigation thriller category of movie a must watch. Thank you for Amazon. You will miss it in the theater based on the true story happened in daily life. Congrats to the Ratham movie team for the picturing of the crime incident happened in the name of status cast and answer law and lyric of the last song is too good asking where is humanity while we are different from low and high status by cast tell the reason in the that lyric is great stupid question and good realistic. There is no reason to being as a human but people don't live as a good human. We are all just a small living beings of this earth. When the people can release we have only one life. This is the only question standing forever. Outstanding claim and from performance by Vijay Anthony sir. Storyline direction editing recording all are very good. Screenplay to investigation journalism as got back it is on crown where their journalist needs a beautiful recognition which this movie left and good descent. This movie stand out from the typical commercial flick film with songs and comedic sequence. It remember focus on the it is storyline while the good few minor flow and good introduction and good think about glory friend violence and good. Ratham is an excellent film with his calm and natural acting. Vijay Anthony is simple super of course the other actor have also performed a nice one. Unexpected Nanita after Salim Pichikar of this memorable and dread a nice film. I really love the climax a film that treat both and protagonist and agnost as equal. They get close but they can never destroy one another cause they are equal. I really love this expected about the film. They are equally capable and it is most thoughtful and clever climax. The background score cinematography and dialogue very really good.
द स्क्रीन प्ले इज गुड बट आई फेल्ट इज ए बिट ड्रेगी इज सम ओवरऑल ए ब्रिलियंट फिल्म ग्रेट स्टोरी फैंटेस्टिक मैसेज द ओनली सीन्स दैट वाज नॉट सो गुड एंड वाज दैट हॉर्स चेस सीन्स एट द पुलिस डिपोर्ट द राइटर डायरेक्टर कुड हैव यूज ए टीम वर्क अप्रोच टू दैट सीन्स इंस्टेंट अपार्टमेंट फ्रॉम एनीथिंग इलेज वाज ग्रेट एक्टिंग स्टोरी म्यूजिक टेंशन बिल्ड अप ईटीसी ऑल अवेसम एंजॉय इट इज रियली गुड मूवी आई डोंट नाउ व्हाई टाइम्स इंडिया रेट दिस मूवी जस्ट 2 out of 5 एज पर परसेंट सिचुएशन आई रियली लॉस्ट होप ऑन मीडिया एज सो मच पावर टू चेंज एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड बट सम ऑफ देम आर नॉट रिकॉग्नाइजेशन दैट एक्सपेरिमेंट ड्यूटी एंड पावर इन दिस मूवी इट क्लियरली शोकेस हाउ एनीवन कैन मल्टीप्लाइट एनीवन कैन एजुकेटेड पीपीएल आर आल्सो गेटिंग इफेक्ट विद दिस मैनिपुलेशन रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज थिंक वाइज एंड थिंक अबाउट यू आर फैमिली बिफोर ऑफ दिस गुड हो नेक्स्ट आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी। साल 2023 में रिलीज हुई रत्थम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी विजय एंथनी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था रत्थम मूवी था, जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलियर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि रत्थम मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 24 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 24 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूज़र्स ने 54% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.4 है और इस मूवी की रिलीज डेट 6 अक्टूबर 2023 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर सीएस अमुदन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं रत्थम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। रत्थम 2023 इज ए ग्रिपिंग थ्रिलर फिल्म दैट स्टार्स विजय एंथनी इज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वेयर हिज करेक्टर एंड डिलीवरी साइन द मूवी टेल्स ए कंप्लेन स्टोरी दैट ऑफर इंट्रोड्यूसिंग इनसाइट इनटू द इंपैक्ट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड ऑन सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन ए अनक्यू थ्रेड इन्वॉल्विंग ए न्यू एज सिंडिकेट दैट मल्टीप्लीट सोशल मीडिया यूजर पोस्ट टू इंसाइट दैट क्राइम एज ए कोवर द मोर Sinister intent while the film is praised for the quality and reveal them it does have some issue with logical coherence in uncovering the crime mystery and mention by the review Rattham 2023 hold a strong IMDb rating 9/10 but the review personally let off this overall the movie is thought provoking thriller with a revealed take on contemporary issue making it worth a watch for those interesting in suspense एंड सोशिकल रिवोल्ट फिल्म से वेरी सोशिकल माइंड मूवी वेल मैसेज इज दैट मूवी द मूवी इंस्पिरेशन बाय द रिलेटिव करेक्टर विजय एंथनी रत्थम इज ए मास्टरपीस ऑफ तमिल सिनेमा दैट कैप्टिवेशन ऑडियंस विथ इट इज कंप्लेन स्टोरी लाइन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड एक्सप्रेशन डायरेक्शन द फिल्म रिव्यूज एंड इंगेजिंग नरेटिव दैट कीप्स व्यूज ऑन द EDG ऑफ देयर सीट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश दैट टैलेंटेड कास्ट डिलीवर्स स्टेलर परफॉर्मेंस दैट मैक द करेक्टर रिटेबल एंड एंडरिंग द मूवी इज यूजफुल ट्रिट फ्यूचरिंग स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी एंड वेल सिनेमाटोग्राफी एक्शन सिक्वेंसी फर्दर मोर द म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर इनचेस द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म
रत्तम इज ए मस्ट वॉच फॉर तमिल सिनेमा इथ्यूसिट एंड सेट्स ए न्यू स्टैंडर्ड फॉर द इंडस्ट्री विद द इज ब्रिलियंट कॉन्ग्रेशन टीम लव यू फ्रॉम श्रीलंका। रत्नम इज एन अमेजिंग मूवी विथ ए कैप्टिवेटिंग स्टोरी दैट किप्ट यू होक्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। द फिल्म डिलीवरी ए पावरफुल एंड कंप्लेन नरेटिव दैट टेक यू आर थ्रिलियर जनरी द वेल क्राफ्ट प्लॉट कॉम्बिनेशन विथ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मैक इट इज ए मस्ट to watch for any cinema and the direction and cinematography enhances the overall experience creating a useful stunning and emotional engaging masterpiece. Don't miss this outstanding of them. I have every scene and good performance a good movie with show a new angel of corruption and crime happening in present world from start till end. The pace or the story shift never happened. Actor have done a great job especially the villain. I did not expected her to be the actual villain. Unfortunately, the connectivity between one scenes to another is lacking. The flashback scenes have not much link to present. Expected the death of hero wife. Still, he need not cry so much or waste his life drinking too much as usual. Vijay Anthony sir acting take over the whole movie be the sad part or flashback or the solving case scenes. He is the best. It was good to see Bindu acting after a gap. She has been my favorite actress. Mahima member mind blowing with a genius smile and new concept yet not backed by a hunting absorbing script but supported by adaption performance and better technical have made this thriller paradise worth a purely sketch character lack of the clever treatment especially for the last 55 to 50 minutes flow toll of the good hard work in and interesting wet weather will be getting one more instrument of this padam something different what a why to narrative and investigative journalism goosebumps on narration and throughout process inspiring to be journalist excellent radiation by the director and Vijay Anthony shoots well for the gripping investigation female agnostic versus Vijay Anthony cat and rat race is quite different new experience in a crime investigation thriller category of movie a must watch. Thank you for Amazon. You will miss it in the theater based on the true story happened in daily life. Congrats to the Ratham movie team for the picturing of the crime incident happened in the name of status cast and answer law and lyric of the last song is too good asking where is humanity while we are different from low and high status by cast tell the reason in the that lyric is great stupid question and good realistic there is no reason to being as a human but people don't live as a good human we are all just a small living beings of this earth when the people can release we have only one life this is the only question standing forever outstanding claim and from performance by Vijay Anthony sir storyline direction editing recording all are very good screenplay to investigation journalism as got back it is on crown where their journalist needs a beautiful recognition which this movie left and good descent. This movie stand out from the typical commercial flick film with songs and comedic sequence. It remember focus on the it is storyline while the good few minor flow and good introduction and good think about glory friend violence and good Ratham is an excellent film with his calm and natural acting. Vijay Anthony is simple super of course the other actor have also performed a nice one. Unexpected Nanita after Salim Pichikar of this memorable and dread a nice film. I really love the climax, a film that treat both and protagonist and agnost as equal. They get close but they can never destroy one another cause they are equal. I really love this expected about the film. They are equally capable and it is most thoughtful and clever climax. The background score cinematography and dialogue very really good.
द स्क्रीन प्ले इज गुड बट आई फेल्ट इज ए बिट ड्रेगी इज सम ओवरऑल ए ब्रिलियंट फिल्म ग्रेट स्टोरी फैंटेस्टिक मैसेज द ओनली सीन्स दैट वाज नॉट सो गुड एंड वाज दैट हॉर्स चेस सीन्स एट द पुलिस डिपोर्ट द राइटर डायरेक्टर कुड हैव यूज ए टीम वर्क अप्रोच टू दैट सीन्स इंस्टेंट अपार्टमेंट फ्रॉम एनीथिंग इलेज वाज ग्रेट एक्टिंग स्टोरी म्यूजिक टेंशन बिल्ड अप ईटीसी ऑल अवेसम एंजॉय इट इज रियली गुड मूवी आई डोंट नाउ व्हाई टाइम्स इंडिया रेट दिस मूवी जस्ट 2 out of 5 एज पर परसेंट सिचुएशन आई रियली लॉस्ट होप ऑन मीडिया एज सो मच पावर टू चेंज एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड बट सम ऑफ देम आर नॉट रिकॉग्नाइजेशन दैट एक्सपेरिमेंट ड्यूटी एंड पावर इन दिस मूवी इट क्लियरली शोकेस हाउ एनीवन कैन मल्टीप्लाइट एनीवन कैन एजुकेटेड पीपीएल आर आल्सो गेटिंग इफेक्ट विद दिस मैनिपुलेशन रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज थिंक वाइज एंड थिंक अबाउट यू आर फैमिली बिफोर ऑफ दिस गुड हो नेक्स्ट आई हैव एवरी सीन एंड गुड पर साल 2023 में रिलीज हुई रथथम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी विजय एंथनी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था रथथम मूवी था, जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि रथथम मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 24 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 24 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूज़र्स ने 54% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.4 है और इस मूवी की रिलीज डेट 6 अक्टूबर 2023 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर सीएस अमुदन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं रथम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके में। रथम 2023 इज ए ग्रिपिंग थ्रिलर फिल्म दैट स्टार्स विजय एंथनी इज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वेयर हिज करेक्टर एंड डिलीवरी साइन द मूवी टेल्स ए कंप्लेन स्टोरी दैट ऑफर इंटरव्यूजिंग इनसाइट इनटू द इंपैक्ट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड ऑन सोसाइटी इन इंट्रोडक्शन ए अनक्यू थ्रेड इन्वॉल्विंग ए न्यू एज सिंडिकेट दैट मल्टीप्लीट सोशल मीडिया यूजर पोस्ट टू इंसाइट दैट क्राइम एज ए कोवर द मोर Mr. Intensity while the film is praised for the quality and reveal them it does have some issue with logical coherence in uncovering the crime mystery and mention by the review Ratham 2023 hold a strong IMDb rating 9/10 but the review personally let off this overall the movie is thought provoking thriller with a revealed take on contemporary issue making it worth a watch for those interesting in suspense एंड सोशिकल रिवोल्ट फिल्म से वेरी सोशिकल माइंड मूवी वेल मैसेज इज दैट मूवी द मूवी इंस्पिरेशन बाय द रिलेटिव करेक्टर विजय एंथनी रथम इज ए मास्टरपीस ऑफ तमिल सिनेमा दैट कैप्टिवेशन ऑडियंस विथ इट इज कंप्लेन स्टोरी लाइन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड एक्सप्रेशन डायरेक्शन द फिल्म यूज एन इंगेजिंग नरेटिव दैट कीप्स व्यूज ऑन द EDG ऑफ देयर सीट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश दैट टैलेंटेड कास्ट डिलीवर्स स्टेलर परफॉर्मेंस दैट मैक द करेक्टर रिटेबल एंड एंडरिंग द मूवी इज यूजफुल ट्रिट फ्यूचरिंग स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी एंड वेल सिनेमाटोग्राफी एक्शन सिक्वेंसी फर्दर मोर द म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर इनचेस द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म
रत्तम इज़ ए मस्ट वॉच फॉर तमिल सिनेमा इथ्यूसिट एंड सेट्स ए न्यू स्टैंडर्ड फॉर द इंडस्ट्री विद द इज ब्रिलियंट कॉन्ग्रेशन टीम लव यू फ्रॉम श्रीलंका। रत्नम इज एन अमेजिंग मूवी विद ए कैप्टिवेटिंग स्टोरी दैट किप्ट यू हुक्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। द फिल्म डिलीवरी ए पावरफुल एंड कंप्लेन नरेटिव दैट टेक यू आर थ्रिलियर जनरी द वेल क्राफ्ट प्लॉट कॉम्बिनेशन विद एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मैक इट इज ए मस्ट to watch for any cinema and the direction and cinematography enhances the overall experience creating a useful stunning and emotional engaging masterpiece. Don't miss this outstanding of them. I have every scene and good performance a good movie with show a new angle of corruption and crime happening in present world from start till end. The pace or the story shift never happened. Actor have done a great job especially द विली आई मीन आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड एयर टू बी द एक्चुअल विलन। अनफॉर्चुनेटली द कनेक्टिविटी बिटवीन वन सीन्स टू अनोदर इज लैकिंग द फ्लैश बैक सीन्स हैव नॉट मच लिंक टू प्रेजेंट एक्सपेक्टेड द डेथ ऑफ हीरो वाइफ स्टिल ही नीड नॉट क्राई सो मच और वेस्ट हिज लाइफ ड्रिंकिंग टू मच एज यूजफुल। विजय एंथनी सर एक्टिंग टेक ओवर द होल मूवी बी द सैड पार्ट और फ्लैश बैक और द सॉल्विंग केस सीन्स ही इज द best. It was good to see Bindu acting after a gap. She has been my favorite actress. Mahima Member mind blowing with a genius smile and new concept yet not backed by a hunting absorbing script but supported by adaption performance and better technical have made this thriller paradise worth a purely sketch character. Lack of the clever treatment especially for the last 55 to 50 minutes flow through of the good hard work in tet and interesting wet weather will be getting one more installment of this padam something different. What a way to narrative and investigative journalism. Goosebumps on narration and throughout process inspiring to be journalist. Excellent radiation by the director and Vijay Anthony shoots well for the gripping investigation. Female agnost versus Vijay Anthony cat and rat race is quite different. New experience in a crime investigation thriller category of movie a must watch. Thank you for Amazon. You will miss it in the theater based on the true story happened in Delhi life. Congrats to the Ratham movie team for the picturing of the crime incident happened in the name of status cast and answer law and lyric of the last song is too good asking where is humanity while we are different from low and high status by cast tell the reason in that lyric is great stupid question and good realistic. There is no reason to being as a human but people don't live as a good human. We are all just a small living beings of this earth. When the people can release we have only one life. This is the only question standing forever outstanding claim and from performance by Vijay Anthony sir. Storyline direction editing recording all are very good. Screenplay to investigation journalism has got back its own crown where their journalist needs a beautiful recognition which this movie left and good descent. This movie stand out from the typical commercial flick film with songs and comedic sequence. It remember focus on the it is storyline while the good few minor flow and good introduction and good think about glory friend violence and good. Ratham is an excellent film with his calm and natural acting. Vijay Anthony is simple super. Of course the other actor have also performed a nice one. Expected Nanita after Salim Pichikar of this memorable and dread a nice film. I really love the climax a film that treat both and protagonist and agonist as equal. They get close but they can never destroy one another cause they are equal. I really love this expected about the film. They are equally capable and it is most thoughtful and clever climax. The background score cinematography and dialogue very really good.
गुड द स्क्रीन प्ले इज़ गुड बट आई फेल्ट इज़ ए बिट ड्रेगी इज़ सम ओवरऑल ए ब्रिलियंट फिल्म ग्रेट स्टोरी फैंटेस्टिक मैसेज द ओनली सीन्स दैट वाज नॉट सो गुड एंड वाज दैट हॉर्स चेस सीन्स एट द पुलिस डिपोट द राइटर डायरेक्टर कुड हैव यूज ए टीम वर्क अप्रोच टू दैट सीन्स इंस्टेंट अपार्टमेंट फ्रॉम एनीथिंग इलेज वाज ग्रेट एक्टिंग स्टोरी म्यूजिक टेंशन बिल्ड अप ईटीसी ऑल अवेसम एंजॉय इट इज़ रियली गुड मूवी आई डोंट नाउ व्हाई टाइम्स इंडिया रेट दिस मूवी जस्ट 2 out of 5 एज पर परसेंट सिचुएशन आई रियली लॉस्ट होप ऑन मीडिया एज सो मच पावर टू चेंज एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड बट सम ऑफ दैम आर नॉट रिकॉग्नाइजेशन दैट एक्सपेरिमेंट ड्यूटी एंड पावर इन दिस मूवी इट क्लियरली शोकेस हाउ एनीवन कैन मल्टीप्लाइट एनीवन कैन एजुकेटेड पीपीएल आर आल्सो गेटिंग इफेक्ट विद दिस मैनिपुलेशन रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज थिंक वाइज एंड थिंक अबाउट यू आर फैमिली बिफोर ऑफ दिस गुड होनेस्ट आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी। साल 2023 में रिलीज़ हुई रत्थम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी विजय एंथनी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था रत्थम मूवी था, जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलियर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि रत्थम मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 24 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 24 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूज़र्स ने 54% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.4 है और इस मूवी की रिलीज डेट 6 अक्टूबर 2023 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर सीएस अमुदन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं रत्थम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। रत्थम 2023 इज ए ग्रिपिंग थ्रिलर फिल्म दैट स्टार्स विजय एंथनी इज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वेयर हिज करेक्टर एंड डिलीवरी साइन द मूवी टेल्स ए कंप्लेन स्टोरी दैट ओपर इंट्रोड्यूसिंग इनसाइट इनटू द इंपैक्ट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड ऑन सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन ए अनक्यू थ्रेड इन्वॉल्विंग ए न्यू एज सिंडिकेट दैट मल्टीप्लीट सोशल मीडिया यूजर पोस्ट टू इंसाइट दैट क्राइम एज ए कोवर द मोर सिनिस्टर इंटेंसेंट वाइल द फिल्म इज प्राइज फॉर द क्वालिटी एंड रिवोल दैम इट डज हैव सम इशू विथ लॉजिकल कोरेंस इन अनकवरिंग द क्राइम माइस्ट्री एंड मैंसन बाय द रिव्यू। रत्थम 2023 होल्ड ए स्ट्रॉन्ग IMDB रेटिंग 9/10 बट द रिव्यू पर्सनली लेट ऑफ दिस ओवरऑल द मूवी इज थॉट प्रोविकिंग थ्रिलियर विथ ए रिवेल टैक ऑन कंपेमरी इशू मेकिंग इट वर्थ ए वॉच फॉर दूज इंटरेस्टिंग इन सस्पेंस फुल एंड सोशल रिवोल्ट फिल्म से वेरी सोशल माइंड मूवी वेल मैसेज इज दैट मूवी द मूवी इंस्पिरेशन बाय द रिलेटिव करेक्टर विजय एंथनी रत्थम इज ए मास्टर पीस ऑफ तमिल सिनेमा दैट कैप्टिवेशन ऑडियंस विथ इट इज कंप्लेन स्टोरी लाइन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड एक्सप्रेशन डायरेक्शन द फिल्म यूज एन इंगेजिंग नरेटिव दैट कीप्स व्यूज ऑन द EDG ऑफ देयर सीट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश दैट टैलेंटेड कास्ट डिलीवर स्टेलर परफॉर्मेंस दैट मैक द करेक्टर रिटेबल एंड एंडरिंग द मूवी इज यूजफुल ट्रिट फ्यूचरिंग स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी एंड वेल सिनेमाटोग्राफी एक्शन सिक्वेंसी फर्दर मोर द म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर इनचेस द इमोशनल इंपैक्ट ऑफ द फिल्म
रत्तम इज ए मस्ट वॉच फॉर तमिल सिनेमा इथ्यूसिट एंड सेट्स ए न्यू स्टैंडर्ड फॉर द इंडस्ट्री विद द इज ब्रिलियंट कॉन्ग्रेशन टीम लव यू फ्रॉम श्रीलंका। रत्नम इज एन अमेजिंग मूवी विथ ए कैप्टिवेटिंग स्टोरी दैट किप्ट यू हुक्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। द फिल्म डिलीवरी ए पावरफुल एंड कंप्लेन नरेटिव दैट टेक यू आर थ्रिलियर जनरी द वेल क्राफ्ट प्लॉट कॉम्बिनेशन विथ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मैक इट इज ए मस्ट was for any cinema and the direction and cinematography enhances the overall experience creating a useful standing and emotional engaging masterpiece. Don't miss this outstanding of them. I have every scene and good performance a good movie with show a new angle of corruption and crime happening in present world from start till end. The pace or the story shift never happened. Actor have done a great job especially the villain. I did not expected her to be the actual villain. Unfortunately, the connectivity between one scene to another is lacking. The flashback scenes have not much link to present. Expected the death of hero wife. Still, he need not cry so much or waste his life drinking too much as useful. Vijay Anthony sir acting take over the whole movie be the sad part or flashback or the solving case scenes. He is the best. It was good to see Bindu acting after a gap. She has been my favorite actress. Mahima member mind blowing with a genius smile and new concept yet not backed by a hunting absorbing script but supported by adaption performance and better technical have made this thriller paradise worth a purely sketch character. Lack of the clever treatment especially for the last 55 to 50 minutes flow toll of the good hard work in and interesting wet weather will be getting one more installment of this padam something different what a why to narrative and investigative journalism goosebumps on narration and throughout process inspiring to be journalist excellent radiation by the director and Vijay Anthony shoots well for the gripping investigation female agnost versus Vijay Anthony cat and rat race is quite different new experience in a crime investigation thriller category of movie a must watch. Thank you for Amazon. You will miss it in the theater based on the true story happened in daily life. Congrats to the Ratham movie team for the picturing of the crime incident happened in the name of status cast and answer law and lyric of the last song is too good asking where is humanity while we are different from low and high status by cast tell the reason in the that lyric is great stupid question and good realistic there is no reason to being as a human but people don't live as a good human we are all just a small living beings of this earth when the people can release we have only one life this is the only question standing forever outstanding claim and from performance by Vijay Anthony sir storyline direction editing recording all are very good screenplay to investigation journalism as got back it is on crown where their journalist needs a beautiful recognition which this movie left and good descent. This movie stand out from the typical commercial flick film with songs and comedic sequence. It remember focus on the it is storyline while the good few minor flow and good introduction and good think about glory friend violence and good. Ratham is an excellent film with his calm and natural acting. Vijay Anthony is simple super of course the other actor have also performed a nice one. Unexpected Nanita after Salim Pichikar of this memorable and dread a nice film. I really love the climax a film that treat both and protagonist and agnost as equal. They get close but they can never destroy one another cause they are equal. I really love this expected about the film. They are equally capable and it is most thoughtful and clever climax. The background score cinematography and dialogue very really good.
गुड द स्क्रीन प्ले इज गुड बट आई फेल्ट इज ए बिट ड्रेगी इज सम ओवरऑल ए ब्रिलियंट फिल्म ग्रेट स्टोरी फैंटास्टिक मैसेज द ओनली सीन्स दैट वाज नॉट सो गुड एंड वाज दैट हॉर्स चेस सीन्स एट द पुलिस डिपोर्ट द राइटर डायरेक्टर कुड हैव यूज ए टीम वर्क अप्रोच टू दैट सीन्स इंस्टेंट अपार्टमेंट फ्रॉम एनीथिंग इलेज वाज ग्रेट एक्टिंग स्टोरी म्यूजिक टेंशन बिल्ड अप ईटीसी ऑल ऑलवेज सम एंजॉय इट इज रियली गुड मूवी आई डोंट नाउ व्हाई टाइम्स इंडिया रेट दिस मूवी जस्ट 2 out of 5 एज पर परसेंट सिचुएशन आई रियली लॉस्ट होप ऑन मीडिया एज सो मच पावर टू चेंज एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड बट सम ऑफ देम आर नॉट रिकॉग्नाइजेशन दैट एक्सपेरिमेंट ड्यूटी एंड पावर इन दिस मूवी इट क्लियरली शोकेस हाउ एनीवन कैन मल्टीप्लाइट एनीवन कैन एजुकेटेड पीपीएल आर आल्सो गेटिंग इफेक्ट विद दिस मैनिपुलेशन रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज थिंक वाइज एंड थिंक अबाउट यू आर फैमिली बिफोर ऑफ दिस गुड हो नेक्स्ट आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी। साल 2023 में रिलीज हुई रथथम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी विजय एंथनी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था रथथम मूवी था, जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि रथथम मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 24 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 24 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूज़र्स ने 54% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.4 है और इस मूवी की रिलीज डेट 6 अक्टूबर 2023 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर सीएस अमुदन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं रथम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। रथम 2023 इज ए ग्रिपिंग थ्रिलर फिल्म दैट स्टार्स विजय एंथनी इज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वेयर हिज करेक्टर एंड डिलीवरी साइन द मूवी टेल्स ए कंप्लेन स्टोरी दैट ऑफर इंट्रोड्यूसिंग इनसाइट इनटू द इंपैक्ट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड ऑन सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन ए अनक्यू थ्रेड इन्वॉल्विंग ए न्यू एज सिंडिकेट दैट मल्टीप्लीट सोशल मीडिया यूजर पोस्ट टू इनसाइट दैट क्राइम एज ए कोवर द मोर Sinister intent while the film is praised for the quality and reveal them it does have some issue with logical coherence in uncovering the crime mystery and mention by the review Rathdam 2023 hold a strong IMDb rating 9/10 but the review personally let off this overall the movie is thought provoking thriller with a revealed take on contemporary issue making it worth a watch for those interesting in suspense एंड सोशिकल रिवोल्ट फिल्म से वेरी सोशिकल माइंड मूवी वेल मैसेज इज दैट मूवी द मूवी इंस्पिरेशन बाय द रिलेटिव करेक्टर विजय एंथनी रथम इज ए मास्टर पीस ऑफ तमिल सिनेमा दैट कैप्टिवेशन ऑडियंस विथ इट इज कंप्लेन स्टोरी लाइन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड एक्सप्रेशन डायरेक्शन द फिल्म रिव्यूज एन इंगेजिंग नरेटिव दैट कीप्स व्यूज ऑन द EDG ऑफ देयर सीट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश दैट टैलेंटेड कास्ट डिलीवर्स स्टेलर परफॉर्मेंस दैट मैक द करेक्टर रिटेबल एंड एंडरिंग द मूवी इज यूजफुल ट्रिट फ्यूचरिंग स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी एंड वेल सिनेमाटोग्राफी एक्शन सिक्वेंसी फर्दर मोर द म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर इंचेस द इमोशनल इंपैक्ट ऑफ द फिल्म
रत्तम इज ए मस्ट वॉच फॉर तमिल सिनेमा इथुसिट एंड सेट्स ए न्यू स्टैंडर्ड फॉर द इंडस्ट्री विद द इज ब्रिलियंट कॉन्ग्रेचुलेशन टीम लव यू फ्रॉम श्रीलंका। रत्नम इज एन अमेजिंग मूवी विथ ए कैप्टिवेटिंग स्टोरी दैट किप्ट यू होक्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। द फिल्म डिलीवरी ए पावरफुल एंड कंप्लेन नरेटिव दैट टेक यू आर थ्रिलियर जनरी द वेल क्राफ्ट प्लॉट कॉम्बिनेशन विथ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मैक इट इज ए मस्ट to watch for any cinema and the direction and cinematography enhances the overall experience creating a useful stunning and emotional engaging masterpiece. Don't miss this outstanding of them. I have every scene and good performance a good movie with show a new angle of corruption and crime happening in present world from start till end. The pace or the story shift never happened. Actor have done a great job especially the villain. I did not expected her to be the actual villain. Unfortunately, the connectivity between one scenes to another is lacking. The flashback scenes have not much link to present. Expected the death of hero wife. Still, he need not cry so much or waste his life drinking too much as usual. Vijay Anthony sir acting take over the whole movie be the sad part or flashback or the solving case scenes. He is the best. It was good to see Bindu acting after a gap. She has been my favorite actress. Mahima member mind blowing with a genius smile and new concept yet not backed by a hunting absorbing script but supported by adaption performance and better technical have made this thriller paradise worth a purely sketch character lack of the clever treatment especially for the last 55-50 minutes plethora of the good hard work in an interesting wet weather will be getting one more installment of this padam something different what a why to narrative and investigative journalism goosebumps on narration and throughout process inspiring to be journalist excellent radiation by the director and Vijay Anthony shoots well for the gripping investigation female agnostic versus Vijay Anthony cat and rat race is quite different new experience in a crime investigation thriller category of movie a must watch. Thank you for Amazon. You will miss it in the theater based on the true story happened in daily life. Congrats to the Ratham movie team for the picturing of the crime incident happened in the name of status cast and answer law and lyric of the last song is too good asking where is humanity while we are different from low and high status by cast tell the reason in the that lyric is great stupid question and good realistic there is no reason to being as a human but people don't live as a good human we are all just a small living beings of this earth when the people can release we have only one life this is the only question standing forever outstanding claim and from performance by Vijay Anthony sir storyline direction editing recording all are very good screenplay to investigation journalism as got back it is on crown where their journalist needs a beautiful recognition which this movie left and good descent. This movie stand out from the typical commercial flick film with songs and comedic sequence. It remember focus on the it is storyline while the good few minor flow and good introduction and good think about glory friend violence and good Ratham is an excellent film with his calm and natural acting. Vijay Anthony is simple super of course the other actor have also performed a nice one Unexpected Nanita after Salim Pichikar of this memorable and dread a nice film. I really love the climax. A film that treat both and protagonist and agnost as equal. They get close but they can never destroy one another cause they are equal. I really love this expected about the film. They are equally capable and it is most thoughtful and clever climax. The background score cinematography and dialogue very really good.
द स्क्रीन प्ले इज गुड बट आई फेल्ट इज ए बिट ड्रेगी इज सम ओवरऑल ए ब्रिलियंट फिल्म ग्रेट स्टोरी फैंटेस्टिक मैसेज द ओनली सीन्स दैट वॉज नॉट सो गुड एंड वॉज दैट हॉर्स चेस सीन्स एट द पुलिस डिपोर्ट द राइटर डायरेक्टर कुड हैव यूज ए टीम वर्क अप्रोच टू दैट सीन्स इंस्टेंट अपार्टमेंट फ्रॉम एनीथिंग इलेज वॉज ग्रेट एक्टिंग स्टोरी म्यूजिक टेंशन बिल्ड अप ETC all awesome enjoy it is really good movie I don't know why times india rate this movie just 2 out of 5 as per percent situation I really lost hope on media has so much power to change anything in this world but some of them are not recognition that experiment duty and power in this movie it clearly showcases how anyone can multiply it anyone can educated people are also getting effect with this manipulation request everyone please think wise and think about your family before of this good honest I have every scene and good performance this movie साल 2023 में रिलीज हुई रथथम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी विजय एंथनी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था रथथम मूवी था, जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि रथथम मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 24 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 24 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 54% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.4 है और इस मूवी की रिलीज डेट 6 अक्टूबर 2023 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर सीएस अमुदन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं रथम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। रथम 2023 इज ए ग्रिपिंग थ्रिलर फिल्म दैट स्टार्स विजय एंथनी इज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वेयर हिज करेक्टर एंड डिलीवरी साइन द मूवी टेल्स ए कंप्लेन स्टोरी दैट ओपर इंट्रोड्यूसिंग इनसाइट इनटू द इंपैक्ट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड ऑन सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन ए अनक्यू थ्रेड इन्वॉल्विंग ए न्यू एज सिंडिकेट दैट मल्टीप्लीट सोशल मीडिया यूजर पोस्ट टू इंसाइट दैट क्राइम एज ए कोवर द मोर Sinister intent while the film is praised for the quality and reveal them it does have some issue with logical coherence in uncovering the crime mystery and mentioned by the review Rathdam 2023 hold a strong IMDb rating 9/10 but the review personally let off this overall the movie is thought provoking thriller with a revealed take on contemporary issue making it worth a watch for those interesting in suspense एंड सोशिकल रिवोल्ट फिल्म से वेरी सोशिकल माइंड मूवी वेल मैसेज इज दैट मूवी द मूवी इंस्पिरेशन बाय द रिलेटिव करेक्टर विजय एंथनी रथम इज ए मास्टरपीस ऑफ तमिल सिनेमा दैट कैप्टिवेशन ऑडियंस विथ इट इज कंप्लेन स्टोरी लाइन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड एक्सप्रेशन डायरेक्शन द फिल्म रिव्यूज एंड इंगेजिंग नरेटिव दैट कीप्स व्यूज ऑन द EDG ऑफ देयर सीट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश दैट टैलेंटेड कास्ट डिलीवर्स स्टेलर परफॉर्मेंस दैट मैक द करेक्टर रिटेबल एंड एंडरिंग द मूवी इज यूजफुल ट्रिट फ्यूचरिंग स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी एंड वेल सिनेमाटोग्राफी एक्शन सिक्वेंसी फर्दर मोर द म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर इनचेस द इमोशनल इंपैक्ट ऑफ द फिल्म
रत्तम इज ए मस्ट वॉच फॉर तमिल सिनेमा इथ्यूसिट एंड सेट्स ए न्यू स्टैंडर्ड फॉर द इंडस्ट्री विद द इज ब्रिलियंट कॉन्ग्रेशन टीम लव यू फ्रॉम श्रीलंका। रत्नम इज एन अमेजिंग मूवी विथ ए कैप्टिवेटिंग स्टोरी दैट किप्ट यू होक्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। द फिल्म डिलीवरी ए पावरफुल एंड कंप्लेन नरेटिव दैट टेक यू आर थ्रिलियर जनरी द वेल क्राफ्ट प्लॉट कॉम्बिनेशन विथ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मैक इट इज ए मस्ट to watch for any cinema and the direction and cinematography enhances the overall experience creating a useful stunning and emotional engaging masterpiece. Don't miss this outstanding of them. I have every scene and good performance a good movie with show a new angel of corruption and crime happening in present world from start till end. The pace or the story shift never happened. Actor have done a great job especially the villain. I did not expected her to be the actual villain. Unfortunately, the connectivity between one scene to another is lacking. The flashback scenes have not much link to present. Expected the death of hero wife. Still, he need not cry so much or waste his life drinking too much as usual. Vijay Anthony sir acting take over the whole movie be the sad part or flashback or the solving case scenes. He is the best. It was good to see Bindu acting after a gap. She has been my favorite actress. Mahima member mind blowing with a genius smile and new concept yet not backed by a hunting absorbing script but supported by adaption performance and better technical have made this thriller paradise worth a purely sketch character lack of the clever treatment especially for the last 55 to 50 minutes flow toll of the good hard work in and interesting wet weather will be getting one more installment of this padam something different what a why to narrative and investigative journalism goosebumps on narration and throughout process inspiring to be journalist excellent radiation by the director and Vijay Anthony shoots well for the gripping investigation female agnostic versus Vijay Anthony cat and rat race is quite different new experience in a crime investigation thriller category of movie a must watch. Thank you for Amazon. You will miss it in the theater based on the true story happened in daily life. Congrats to the Ratham movie team for the picturing of the crime incident happened in the name of status cast and answer law and lyric of the last song is too good asking where is humanity while we are different from low and high status by cast tell the reason in the that lyric is great stupid question and good realistic there is no reason to being as a human but people don't live as a good human we are all just a small living beings of this earth when the people can release we have only one life this is the only question standing forever outstanding claim and from performance by Vijay Anthony sir storyline direction editing recording all are very good screenplay to investigation journalism as got back it is on crown where their journalist needs a beautiful recognition which this movie left and good descent. This movie stand out from the typical commercial flick film with songs and comedic sequence. It remember focus on the it is storyline while the good few minor flow and good introduction and good think about glory friend violence and good Ratham is an excellent film with his calm and natural acting. Vijay Anthony is simple super of course the other actor have also performed a nice one. Expected Nanita after Salim Pichikar of this memorable and dread a nice film. I really love the climax, a film that treat both and protagonist and agnost as equal. They get close but they can never destroy one another cause they are equal. I really love this expected about the film. They are equally capable and it is most thoughtful and clever climax. The background score cinematography and dialogue very really good.
द स्क्रीन प्ले इज गुड बट आई फेल्ट इज ए बिट ड्रेगी इज सम ओवरऑल ए ब्रिलियंट फिल्म ग्रेट स्टोरी फैंटेस्टिक मैसेज द ओनली सीन्स दैट वाज नॉट सो गुड एंड वाज दैट हॉर्स चेस सीन्स एट द पुलिस डिपोर्ट द राइटर डायरेक्टर कुड हैव यूज ए टीम वर्क अप्रोच टू दैट सीन्स इंस्टेंट अपार्टमेंट फ्रॉम एनीथिंग इलेज वाज ग्रेट एक्टिंग स्टोरी म्यूजिक टेंशन बिल्ड अप ईटीसी ऑल अवेसम एंजॉय इट इज रियली गुड मूवी आई डोंट नाउ व्हाई टाइम्स इंडिया रेट दिस मूवी जस्ट 2 out of 5 एज पर परसेंट सिचुएशन आई रियली लॉस्ट होप ऑन मीडिया एज सो मच पावर टू चेंज एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड बट सम ऑफ देम आर नॉट रिकॉग्नाइजेशन दैट एक्सपेरिमेंट ड्यूटी एंड पावर इन दिस मूवी इट क्लियरली शोकेस हाउ एनीवन कैन मल्टीप्लाइट एनीवन कैन एजुकेटेड पीपीएल आर आल्सो गेटिंग इफेक्ट विद दिस मैनिपुलेशन रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज थिंक वाइज एंड थिंक अबाउट यू आर फैमिली बिफोर ऑफ दिस गुड होनेस्ट आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी। साल 2023 में रिलीज़ हुई रत्थम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी विजय एंथनी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था रत्थम मूवी था, जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि रत्थम मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 24 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 24 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 54% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.4 है और इस मूवी की रिलीज डेट 6 अक्टूबर 2023 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर सीएस अमुदन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं रत्थम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। रत्थम 2023 इज ए ग्रिपिंग थ्रिलर फिल्म दैट स्टार्स विजय एंथनी इज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वेयर हिज करेक्टर एंड डिलीवरी साइन द मूवी टेल्स ए कंप्लेन स्टोरी दैट ऑफर इंटरेस्टिंग इनसाइट इनटू द इंपैक्ट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड ऑन सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन ए अनक्यू थ्रेड इन्वॉल्विंग ए न्यू एज सिंडिकेट दैट मल्टीप्लीट सोशल मीडिया यूजर पोस्ट टू इंसाइट दैट क्राइम एज ए कोवर द मोर Sinister intent while the film is praised for the quality and reveal them it does have some issue with logical coherence in uncovering the crime mystery and mentioned by the review Rattham 2023 hold a strong IMDb rating 9/10 but the review personally let off this overall the movie is thought provoking thriller with a revealed take on contemporary issue making it worth a watch for those interesting in suspense एंड सोशल रिवोल्ट फिल्म से वेरी सोशल माइंड मूवी वेल मैसेज इज दैट मूवी द मूवी इंस्पिरेशन बाय द रिलेटिव करेक्टर विजय एंथनी रत्थम इज ए मास्टरपीस ऑफ तमिल सिनेमा दैट कैप्टिवेशन ऑडियंस विथ इट इज कंप्लेन स्टोरी लाइन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड एक्सप्रेशन डायरेक्शन द फिल्म यूज एन इंगेजिंग नरेटिव दैट कीप्स व्यूज ऑन द EDG ऑफ देयर सीट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश द टैलेंटेड कास्ट डिलीवर्स स्टेलर परफॉर्मेंस दैट मैक द करेक्टर रिटेबल एंड एंडरिंग द मूवी इज यूजफुल ट्रिट फ्यूचरिंग स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी एंड वेल सिनेमाटोग्राफी एक्शन सिक्वेंसी फर्दर मोर द म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर इनचेस द इमोशनल इंपैक्ट ऑफ द फिल्म
रत्तम इज ए मस्ट वॉच फॉर तमिल सिनेमा इथुसिट एंड सेट्स ए न्यू स्टैंडर्ड फॉर द इंडस्ट्री विद द इज ब्रिलियंट कॉन्गुलेशन टीम लव यू फ्रॉम श्रीलंका। रत्नम इज एन अमेजिंग मूवी विद ए कैप्टिवेटिंग स्टोरी दैट किप्ट यू हुक्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। द फिल्म डिलीवरी ए पावरफुल एंड कंप्लेन नरेटिव दैट टेक यू आर थ्रिलियर जनरी द वेल क्राफ्ट प्लॉट कॉम्बिनेशन विद एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मैक इट इज ए मस्ट was for any cinema and the direction and cinematography enhances the overall experience creating a useful stunning and emotional engaging masterpiece. Don't miss this outstanding of them. I have every scene and good performance a good movie with show a new angle of corruption and crime happening in present world from start till end. The pace or the story shift never happened. Actor have done a great job especially the villain. I did not expected her to be the actual villain. Unfortunately, the connectivity between one scenes to another is lacking. The flashback scenes have not much link to present. Expected the death of hero wife. Still, he need not cry so much or waste his life drinking too much as useful. Vijay Anthony sir acting take over the whole movie be the sad part or flashback or the solving case scenes. He is the best. It was good to see Bindu acting after a gap. She has been my favorite actress. Mahima Member mind-blowing with a genius smile and new concept yet not backed by a hunting absorbing script but supported by adaption performance and better technical have made this thriller paradise worth a purely sketch character lack of the clever treatment especially for the last 55-50 minutes flow through of the good hard work in an interesting wet weather will be getting one more instrument of this padam something different what a way to narrative and investigative journalism goosebumps on narration and throughout process inspiring to be journalist excellent radiation by the director and Vijay Anthony shoots well for the gripping investigation female agnost versus Vijay Anthony cat and rat race is quite different new experience in a crime investigation thriller category of movie a must watch thank you for amazon you will miss it in the theater based on the true story happened in Delhi life congrats to the Ratham movie team for the picturing of the crime incident happened in the name of status cast and answer la and lyric of the last song is too good asking where is humanity while we are different from low and high status by cast tell the reason in that lyric is great stupid question and good realistic there is no reason to being as a human but people don't live as a good human we are all just a small living beings of this earth when the people can release we have only one life this is the only question standing forever outstanding claim and from performance by Vijay Anthony sir storyline direction editing recording all are very good screenplay to investigation journalism as got back it is on crown where their journalist needs a beautiful recognition which this movie left and good descent this movie stand out from the typical commercial flick film with songs and comedic sequence it remember focus on the it is storyline while the good few minor flow and good introduction and good think about glory friend violence and good Ratham is an excellent film with his calm and natural acting Vijay Anthony is simple super of course the other actor have also performed a nice one Unexpected Nanita after Salim Pichikar of this memorable and dread a nice film I really love the climax a film that treat both and protagonist and agnost as equal they get close but they can never destroy one another cause they are equal I really love this expected about the film they are equally capable and it is most thoughtful and clever climax the background score cinematography and dialogue very really good
गुड द स्क्रीन प्ले इज गुड बट आई फेल्ट इज ए बिट ड्रेगी इज सम ओवरऑल ए ब्रिलियंट फिल्म ग्रेट स्टोरी फैंटास्टिक मैसेज द ओनली सीन्स दैट वाज नॉट सो गुड एंड वाज दैट हॉर्स चेस सीन्स एट द पुलिस डिपोट द राइटर डायरेक्टर कुड हैव यूज ए टीम वर्क अप्रोच टू दैट सीन्स इंस्टेंट अपार्टमेंट फ्रॉम एनीथिंग इलेज वाज ग्रेट एक्टिंग स्टोरी म्यूजिक टेंशन बिल्ड अप ईटीसी ऑल अवेसम एंजॉय इट इज रियली गुड मूवी आई डोंट नाउ व्हाई टाइम्स इंडिया रेट दिस मूवी जस्ट 2 out of 5 एज पर परसेंट सिचुएशन आई रियली लॉस्ट होप ऑन मीडिया एज सो मच पावर टू चेंज एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड बट सम ऑफ देम आर नॉट रिकॉग्नाइजेशन दैट एक्सपेरिमेंट ड्यूटी एंड पावर इन दिस मूवी इट क्लियरली शोकेस हाउ एनीवन कैन मल्टीप्लाइट एनीवन कैन एजुकेटेड पीपीएल आर आल्सो गेटिंग इफेक्ट विद दिस मैनिपुलेशन रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज थिंक वाइज एंड थिंक अबाउट यू आर फैमिली बिफोर ऑप दिस गुड हो नेक्स्ट आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी। साल 2023 में रिलीज़ हुई रत्थम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी विजय एंथनी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था रत्थम मूवी था, जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि रत्थम मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज़ हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 24 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 24 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूज़र्स ने 54% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.4 हैं और इस मूवी की रिलीज डेट 6 अक्टूबर 2023 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर सीएस अमुदन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं रत्थम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके में। रत्थम 2023 इज ए ग्रिपिंग थ्रिलर फिल्म दैट स्टार्स विजय एंथनी इज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वेयर हिज करेक्टर एंड डिलीवरी साइन द मूवी टेल्स ए कंप्लेन स्टोरी दैट ऑफर इंटरव्यूजिंग इनसाइट इनटू द इंपैक्ट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड ऑन सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन ए अनक्यू थ्रेड इन्वॉल्विंग ए न्यू एज सिंडिकेट दैट मल्टीप्लीट सोशल मीडिया यूजर पोस्ट टू इनसाइट दैट क्राइम एज ए कोवर द मोर Sinister intent while the film is praised for the quality and reveal them it does have some issue with logical coherence in uncovering the crime mystery and mention by the review Rattham 2023 hold a strong IMDb rating 9/10 but the review personally let off this overall the movie is thought provoking thriller with a revealed take on contemporary issue making it worth a watch for those interesting in suspense एंड सोशिकल रिवोल्ट फिल्म से वेरी सोशिकल माइंड मूवी वेल मैसेज इज दैट मूवी द मूवी इंस्पिरेशन बाय द रिलेटिव करेक्टर विजय एंथनी रत्थम इज ए मास्टरपीस ऑफ तमिल सिनेमा दैट कैप्टिवेशन ऑडियंस विथ इट इज कंप्लेन स्टोरी लाइन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड एक्सप्रेशन डायरेक्शन द फिल्म यूज एन इंगेजिंग नरेटिव दैट कीप्स व्यूज ऑन द EDG ऑफ देयर सीट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश दैट टैलेंटेड कास्ट डिलीवर्स स्टेलर परफॉर्मेंस दैट मैक द करेक्टर रिटेबल एंड एंडरिंग द मूवी इज यूजफुल ट्रिट फ्यूचरिंग स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी एंड वेल सिनेमाटोग्राफी एक्शन सिक्वेंसी फर्दर मोर द म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर इनचेस द इमोशनल इंपैक्ट ऑफ द फिल्म
रत्तम इज ए मस्ट वॉच फॉर तमिल सिनेमा इथुसिट एंड सेट्स ए न्यू स्टैंडर्ड फॉर द इंडस्ट्री विद द इज ब्रिलियंट कॉन्ग्रेशन टीम लव यू फ्रॉम श्रीलंका। रत्नम इज एन अमेजिंग मूवी विद ए कैप्टिवेटिंग स्टोरी दैट किप्ट यू हुक्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। द फिल्म डिलीवरी ए पावरफुल एंड कंप्लेन नरेटिव दैट टेक यू आर थ्रिलियर जनरी द वेल क्राफ्ट प्लॉट कॉम्बिनेशन विद एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मैक इट इज ए मस्ट to watch for any cinema and the direction and cinematography enhances the overall experience creating a useful stunning and emotional engaging masterpiece. Don't miss this outstanding of them. I have every scene and good performance a good movie with show a new angle of corruption and crime happening in present world from start till end. The pace or the story shift never happened. Actor have done a great job especially द विली आई मीन आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड एयर टू बी द एक्चुअल विलन। अनफॉर्चुनेटली द कनेक्टिविटी बिटवीन वन सीन्स टू अनोदर इज लैकिंग द फ्लैश बैक सीन्स हैव नॉट मच लिंक टू प्रेजेंट एक्सपेक्टेड द डेथ ऑफ हीरो वाइफ स्टिल ही नीड नॉट क्राई सो मच और वेस्ट हिज लाइफ ड्रिंकिंग टू मच एज यूजफुल। विजय एंथनी सर एक्टिंग टेक ओवर द होल मूवी बी द सैड पार्ट और फ्लैश बैक और द सॉल्विंग केस सीन्स ही इज द best. It was good to see Bindu acting after a gap. She has been my favorite actress. Mahima Member mind blowing with a genius smile and new concept yet not backed by a hunting absorbing script but supported by adaption performance and better technical have made this thriller paradise worth a purely sketch character. Lack of the clever treatment especially for the last 55 to 50 minutes flow through of the good hard work in tet and interesting wet weather will be getting one more installment of this padam something different. What a way to narrative and investigative journalism. Goosebumps on narration and throughout process inspiring to be journalist. Excellent radiation by the director and Vijay Anthony shoots well for the gripping investigation. Female agnost versus Vijay Anthony cat and rat race is quite different new experience in a crime इन्वेस्टिगेशन थ्रिलियर कैटेगरी ऑफ मूवी ए मस्ट वॉच. थैंक यू फॉर अमेजन यू विल मिस इट इन द थिएटर बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी हैपनड इन डेली लाइफ. कॉन्ग्रेस टू द रत्थम मूवी टीम फॉर द पिक्चरिंग ऑफ द क्राइम इंसिडेंट हैपनड इन द नेम ऑफ स्टेटस कास्ट एंड एंजर ला एंड लायरिक ऑफ द लास्ट सॉन्ग इज टू गुड आस्किंग वेयर इज ह्यूमैनिटी वाइल वी आर डिफरेंट फ्रॉम लो एंड हाई स्टेटस बाई कास्ट टेल द रीजन इन that lyric is great stupid question and good realistic. There is no reason to being as a human but people don't live as a good human. We are all just a small living beings of this earth. When the people can release we have only one life. This is the only question standing forever outstanding claim and from performance by Vijay Anthony sir. Storyline direction editing recording all are very good. Screenplay to investigation journalism as got back it is on crown where their journalist needs a beautiful recognition which this movie left and good descent. This movie stand out from the typical commercial flick film with songs and comedic sequence. It remember focus on the it is storyline while the good few minor flow and good introduction and good think about glory friend violence and good. Ratham is an excellent film with his calm and natural acting. Vijay Anthony is simple super. Of course the other actor have also performed a nice one. Expected Nanita after Salim Pichikar of this memorable and dread a nice film. I really love the climax a film that treat both and protagonist and agonist as equal. They get close but they can never destroy one another cause they are equal. I really love this expected about the film. They are equally capable and it is most thoughtful and clever climax. The background score cinematography and dialogue very really good.
गुड द स्क्रीन प्ले इज गुड बट आई फेल्ट इज ए बिट ड्रेगी इज सम ओवरऑल ए ब्रिलियंट फिल्म ग्रेट स्टोरी फैंटास्टिक मैसेज द ओनली सीन्स दैट वाज नॉट सो गुड एंड वाज दैट हॉर्स चेस सीन्स एट द पुलिस डिपोट द राइटर डायरेक्टर कुड हैव यूज ए टीम वर्क अप्रोच टू दैट सीन्स इंस्टेंट अपार्टमेंट फ्रॉम एनीथिंग इलेज वाज ग्रेट एक्टिंग स्टोरी म्यूजिक टेंशन बिल्ड अप ईटीसी ऑल अवेसम एंजॉय इट इज रियली गुड मूवी आई डोंट नाउ व्हाई टाइम्स इंडिया रेट दिस मूवी जस्ट 2 out of 5 एज पर परसेंट सिचुएशन आई रियली लॉस्ट होप ऑन मीडिया एज सो मच पावर टू चेंज एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड बट सम ऑफ देम आर नॉट रिकॉग्नाइजेशन दैट एक्सपेरिमेंट ड्यूटी एंड पावर इन दिस मूवी इट क्लियरली शोकेस हाउ एनीवन कैन मल्टीप्लाइट एनीवन कैन एजुकेटेड पीपीएल आर आल्सो गेटिंग इफेक्ट विद दिस मैनिपुलेशन रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज थिंक वाइज एंड थिंक अबाउट यू आर फैमिली बिफोर ऑफ दिस गुड होनेस्ट आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी। साल 2023 में रिलीज़ हुई रत्थम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी विजय एंथनी के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था रत्थम मूवी था, जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि रत्थम मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज़ हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 24 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 24 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूज़र्स ने 54% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.4 हैं और इस मूवी की रिलीज डेट 6 अक्टूबर 2023 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर सीएस अमुदन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं रत्थम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। रत्थम 2023 इज ए ग्रिपिंग थ्रिलर फिल्म दैट स्टार्स विजय एंथनी इज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वेयर हिज करेक्टर एंड डिलीवरी साइन द मूवी टेल्स ए कंप्लेन स्टोरी दैट ऑफर इंटरेस्टिंग इनसाइट इनटू द इंपैक्ट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड ऑन सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन ए अनक्यू थ्रेड इन्वॉल्विंग ए न्यू एज सिंडिकेट दैट मल्टीप्लीट सोशल मीडिया यूजर पोस्ट टू इनसाइट दैट क्राइम एज ए कोवर द मोर Sinister intent while the film is praised for the quality and reveal them it does have some issue with logical coherence in uncovering the crime mystery and mention by the review Rattham 2023 hold a strong IMDb rating 9/10 but the review personally let off this overall the movie is thought provoking thriller with a revealed take on contemporary issue making it worth a watch for those interesting in suspense एंड सोशिकल रिवोल्ट फिल्म से वेरी सोशिकल माइंड मूवी वेल मैसेज इज दैट मूवी द मूवी इंस्पिरेशन बाय द रिलेटिव करेक्टर विजय एंथनी रत्थम इज ए मास्टरपीस ऑफ तमिल सिनेमा दैट कैप्टिवेशन ऑडियंस विथ इट इज कंप्लेन स्टोरी लाइन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड एक्सप्रेशन डायरेक्शन द फिल्म यूज एन इंगेजिंग नरेटिव दैट कीप्स व्यूज ऑन द EDG ऑफ देयर सीट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश दैट टैलेंटेड कास्ट डिलीवर्स स्टेलर परफॉर्मेंस दैट मैक द करेक्टर रिटेबल एंड एंडरिंग द मूवी इज यूजफुल ट्रिट फ्यूचरिंग स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी एंड वेल सिनेमाटोग्राफी एक्शन सिक्वेंसी फर्दर मोर द म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर इनचेस द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म
रत्तम इज ए मस्ट वॉच फॉर तमिल सिनेमा इथुसिट एंड सेट्स ए न्यू स्टैंडर्ड फॉर द इंडस्ट्री विद द इज ब्रिलियंट कॉन्ग्रेशन टीम लव यू फ्रॉम श्रीलंका। रत्नम इज एन अमेजिंग मूवी विथ ए कैप्टिवेटिंग स्टोरी दैट किप्ट यू हुक्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। द फिल्म डिलीवरी ए पावरफुल एंड कंप्लेन नरेटिव दैट टैक यू आर थ्रिलियर जनरी द वेल क्राफ्ट प्लॉट कॉम्बिनेशन विथ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मैक इट इज ए मस्ट वॉच फॉर एनी सिनेमा एंड द डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी इंसांस द ओवरऑल एक्सपीरियंस क्रिएटिंग ए यूजफुल स्टैंडिंग एंड इमोशनल इंगेजिंग मास्टरपीस। डोंट मिस दिस आउटस्टैंडिंग ऑफ दैम आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस ए गुड एंड ए गुड मूवी विथ शो ए न्यू एंजल ऑफ करप्शन एंड क्राइम हैपनिंग इन प्रजेंट वर्ल्ड फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड द पेस और द स्टोरी शिफ्ट नेवर हैपनेड एक्टर हैव डन ए ग्रेट जॉब स्पेशली द विली आई मीन आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड एयर टू बी द एक्चुअल विलन। अनफॉर्चुनेटली द कनेक्टिविटी बिटवीन वन सीन्स टू अनोदर इज लैकिंग द फ्लैश बैक सीन्स हैव नॉट मच लिंक टू प्रजेंट एक्सपेक्टेड द डेथ ऑफ हीरो वाइफ स्टिल ई नीड नॉट क्राई सो मच और वेस्ट हिज लाइफ ड्रिंकिंग टू मच एज यूजफुल। विजय एंथनी सर एक्टिंग टेक ओवर द होल मूवी बी द सैड पार्ट और फ्लैश बैक और द सोल्विंग केस सीन्स ही इज द बेस्ट। इट वॉज गुड टू सी बिंदू एक्टिंग आफ्टर ए गैप। सी हैज बीन माई फेवरेट एक्ट्रेस। महिमा मेम्बर माइंड ब्लोइंग विथ ए जीनियस स्माइल एंड न्यू कंसेप्ट येट नॉट बैक्ड बाई हंटिंग अब्सोरिंग स्क्रिप्ट बट सपोर्टेड बाई एडप्शन परफॉर्मेंस एंड बेटर टेक्नीशियल हैव मेड दिस थ्रिलियर पैराराइज वर्थ ए प्योरली स्केच करेक्टर। लैक ऑफ द क्लियर ट्रीटमेंट स्पेशली फॉर द लास्ट 55 to 50 minutes फ्लो थोल ऑफ द गुड हार्ड वर्क इन एंड इंटरेस्टिंग वेट वेदर विल बी गेटिंग वन मोर इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस पदम समथिंग डिफरेंट व्हाट ए वाई टू नरेटिव एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म गूस बम्स ऑन नरेशन एंड थ्रू आउट प्रोसेस इंस्पायरिंग टू बी जर्नलिस्ट एक्सीलेंट रेडिएशन बाय द डायरेक्टर एंड विजय एंथनी शूट्स वेल फॉर द ग्रिपिंग इन्वेस्टिगेशन। फीमेल अग्नोस्ट वर्सेज विजय एंथनी कैट एंड रैट रेस इज क्वाट डिफरेंट न्यू एक्सपीरियंस इन ए क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलियर कैटेगरी ऑफ मूवी ए मस्ट वॉच। थैंक यू फॉर अमेजन यू विल मिस इट इन द थिएटर बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी हैपनड इन डेली लाइफ। कॉन्ग्रेस टू द रत्थम मूवी टीम फॉर द पिक्चरिंग ऑफ द क्राइम इंसिडेंट हैपनड इन द नेम ऑफ स्टेटस कास्ट एंड एंजर ला एंड लायरिक ऑफ द लास्ट सॉन्ग इज टू गुड आस्किंग वेयर इज ह्यूमैनिटी वाइल वी आर डिफरेंट फ्रॉम लो एंड हाई स्टेटस बाई कास्ट टेल द रीजन in that lyric is great stupid question and good realistic there is no reason to being as a human but people don't live as a good human we are all just a small living beings of this earth when the people can release we have only one life this is the only question standing forever outstanding claim and from performance by Vijay Anthony sir storyline direction editing recording all are very good screenplay to investigate जर्नलिज्म एज गोट बैक इट इज ऑन क्राउन वेयर देयर जर्नलिस्ट नीड्स ए ब्यूटीफुल रिकॉग्नाइजेशन विच दिस मूवी लिफ्ट एंड गुड डिसेंट। दिस मूवी स्टैंड आउट फ्रॉम द टाइपिकल कमर्शियल फ्लिक फिल्म विथ सॉन्ग्स एंड कॉमेडिक सिक्वेंस इट रिमेंबर फोक्स ऑन द इट इज स्टोरी लाइन वाइल द गुड फ्यू मेनोर फ्लो एंड गुड इंट्रोडक्शन एंड गुड थिंक अबाउट ग्लोरी फ्रेंड वॉयलेंस एंड गुड रथम इज एन एक्सीलेंट फिल्म विथ इज क्लैम एंड नेचुरल एक्टिंग। विजय एंथनी इज सिंपल सुपर ऑफ कोर्स द अदर एक्टर हैव ऑल्सो परफॉर्मेड ए नाइस Unexpected Nanita after Salim Pichikar of this memorable and dread.